हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोचो तो प्रधान ओझा का अपहरण कर फिरौती की मांगे 50 लाख, लड़की के साथ वीडियो वायरल की धमकी देकर 18 लाख वसूले। पुलिस ने 12 घंटों में मामले का खुलासा करते हुए 4 जनों को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के आदेश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के सुपरविजन, CI रामेश्वर लाल भाटी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन कर इस मामले के त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे में इस मामले का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ एवं CI रामेश्वर लाल भाटी ने बताया कि थाना क्षेत्र के खारिया नीव निवासी एवं पंचायत समिति उप प्रधान कन्हैयालाल ओझा ने अपने ही गांव के 4 जनों के विरुद्ध षड्यंत्र रच अपहरण कर ले जाने, लड़की के साथ वीडियो बना वायरल करने की धमकी देने एवं फिरौती के 50 लाख रुपए की मांग करने व उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया कि 10 मई को खारिया नीव निवासी महेंद्र जाट पुत्र मोहनलाल निवासी खारिया नीव मेरे डेरे पर आया तथा उसने कहा कि मेरे दोस्त की कोर्ट मैरिज करने के बारे में आपसे राय लेनी है। तब वो महेंद्र जाट की मोटरसाइकिल पर बैठकर खारिया नीव ग्राम गया। वहाँ पर बोलेरो गाड़ी खड़ी थी, मुझे उसमें बैठने को कहा तो मैंने उसमें बैठने से मना कर दिया। इतने में बोलेरो में सवार 3-4 व्यक्ति नीचे उतरे तथा एक व्यक्ति ने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल ताने तथा बोलेरो गाड़ी में जबरन डालकर उसका मोबाइल छीनकर बंद कर दिया। तभी मैंने देखा कि उस बोलेरो गाड़ी में एक लड़की बैठी थी। बोलेरो में बैठे व्यक्तियों ने मेरे आंखों पर काली पट्टी बांधकर एवं मुंह पर रुमाल बांधकर उसके बाद करीब 2-2.5 घंटे बाद अंधेरे में एक जंगल में पहुंचे। वहां मुझे धमकाया कि इस लड़की के कपड़े खोल, तो मैंने मना किया, जिसके बाद इन लोगों ने मेरे कनपट्टी पर पिस्तौल तानी तथा कपड़ा खोलने पर मजबूर किया, जिसके बाद उन लोगों ने एक वीडियो बनाया और कहा कि तेरा वीडियो बन गया है, हम कहे जैसा कर। उसके बाद मेरे से 50 लाख रुपए की मांग की, इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी दी तथा कहा कि सुबह तक रुपयों की व्यवस्था नहीं हुई तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। उसके बाद मैंने डर के मारे मित्र बोरुंदा निवासी नारायण लाल जाट, वीरावास निवासी महेंद्र जाट तथा पाचुंडा निवासी भवरलाल माली से मोबाइल से फोन कर उनसे उधार रुपए मांगे। तब तक 11 मई को रुपयों की व्यवस्था नहीं होने पर इन लोगों ने मेरे को जंगल में लेकर घूमते रहे तथा डरा धमका कर ब्लैकमेल करते रहे, जिसके बाद मैं परेशान हो गया। मेरे दोस्त नारायण जाट निवासी बोरुंदा से 15 लाख रुपए की व्यवस्था करने को कहा, फिर दिन में खेत से मौका देखकर भागा तो इन सभी ने मेरा पीछा कर वापस मुझे पकड़कर मेरे साथ मारपीट की। फिर से मेरे डर के मारे 15 लाख रुपए 14 मई को मेरे दोस्त नारायण से महेंद्र एवं उनके दोस्तों द्वारा बताई गई जगह पर उनके 2 व्यक्तियों को दिलवाए गए। मैंने महेंद्र कहे अनुसार मंगलाराम जाट से 2 लाख रुपए महेंद्र के दोस्त किशनलाल माली निवासी सोजत को दिलवाए एवं मेरी जेब में रखे 95,000 रुपए महेंद्र एवं उनके दोस्तों ने छीन के ले लिए। फिर मुझे 14 मई को मालकोसनी के पास छोड़ दिया। पुलिस ने ओझा की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग टीमें बनाकर उनकी तलाश शुरू की, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर खारिया नीव गाँव में नाकाबंदी की गयी तो MH14 DN3284 जिसमें से एक आदमी कार रुकते ही फाटक खोलकर भागने लगा, जिसके पेट के अंत में पिस्तौल भी, जिसको हाथ में लेकर पुलिस पार्टी पर ताने की कोशिश की, किंतु पुलिस पार्टी ने हिम्मत व तत्परता से सावधानी बरतते हुए मुलजिम को बड़ी मुश्किल से पकड़कर उसके हाथ से पिस्तौल अपने कब्जे में लेकर उसको दस्तयाब किया गया। कार में नामजद आरोपी महेश से पिस्तौल एवं 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए, वही वाहन को सबूत मानकर जब्त किया गया। प्रकरण में आरोपी महेंद्र सुश्री सायना को गिरफ्तार किया गया। वहीं द्वितीय टीम उप निर्देशक मोहन सिंह भाटी के नेतृत्व में मानक पुत्र भगाराम को गिरफ्तार किया। वहीं घटना में फिरौती की राशि की बरामदगी हेतु प्रयास जारी है। महेंद्र पुत्र मोहनलाल जाटी जाट निवासी खारिया नीव, महेश पुत्र महेंद्र निवासी घन मगराम बिलाड़ा, मानक पुत्र भगाराम ज्योति जाट निवासी रंसी गांव बोरुंदा, लीला राम सुश्री सायना पुत्री अब्दुल मस्जिद जाति मुसलमान निवासी राणावास को गिरफ्तार किया है। वहीं लीला राम पुत्र गंगाराम जाति जाट ठानी वीरावास व कपिल सिंगवा पुत्र सही राम जाति जाट निवासी उदावतों का बेरा बिलाड़ा फरार है। ये थे टीम में CI रामेश्वर लाल भाटी, उप निरीक्षक मोहन सिंह भाटी, ASI चेला राम, मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार बिंजा राम, कांस्टेबल नटवर सिंह, श्याम लाल नाथू राम, सुरेश कुमार, जसवंत सिंह, महेंद्र,
महेश चंद्र, सचिन, ओम प्रकाश, किशोर राम, मुकेश चौधरी, सरोज, बाबूलाल, दिनेश कुमार आदि शामिल थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार व जाखड़ CI रामेश्वर लाल भाटी, इन्होंने ये कहा। सायंकाल हरियाणी निवासी कन्हैयालाल ओझा, जो कि वर्तमान में सोजत पंचायत समिति के उप प्रधान है, थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि 10 मई को मेरे ही गांव के एक महेंद्र जाट हरियाणी निवासी जो हैं वो मुझे किसी विवाह प्रकरण में मध्यस्थता करने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए। तो कुछ आगे जाने के बाद में एक बोलेरो में बैठे हुए कुछ लोगों के साथ बैठने के लिए मुझे कहा, जिसमें एक लड़की पहले से बैठी हुई थी। मैंने मना किया, मना करने के बाद उन्होंने पिस्टल से मुझे धमका करके ज़बरदस्ती बोलेरो गाड़ी में बैठा लिया और कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्होंने उस लड़की के साथ में मुझे पिस्टल के दम पर उस लड़की से कुछ कपड़े उतारने के लिए और मेरे कपड़े उतारने के लिए मुझे प्रेस किया। इसके लिए मैंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे पिस्टल के दम पर मुझे मारने की धमकी दी। तो मैंने मेरे और उस लड़की के कपड़े उतार करके उसको वीडियो बनवाया। इस वीडियो को बनाने के बाद उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे आंख बंद करके पता नहीं कहां ले गए, जो मुझे मालूम नहीं है, और 50 लाख रुपए की डिमांड की। जागरूक टीवी की सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।